सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरा डिवोर्स हुए 2 साल हो गए थे और मेरे पति अभी तक मुझसे बातचीत कर रहा था और उसने मुझसे कई बार माफ़ी भी मांग ली थी। और फिर मैंने अपने पति के साथ ही रहती थी। हम दोनों बहुत खुश थे। मेरा पति अपने उस गलती की मुझसे कई बार माफ़ी मांग चुका था। मैंने उसे माफ़ भी कर दिया था। एक दिन पति ने मुझसे कहा कि हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, हमें हलाला ज़रूरी करवाना होगा। मैं पति की ये बात मान गई। मेरा पति उसी दिन एक लड़का को लेकर आया और एक रात के लिए मेरा निकाह उसके साथ पढ़वा दिया गया। मगर वह लड़का तो बहुत ही चालाक निकला। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी जब उस लड़के ने। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी, मेरी जुबानी। मेरा नाम खालिदा है। किसी भी औरत के लिए सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी और बेइज्जती की बात होती है कि उसका पति उसके किरदार पर शक करे। सलीम के मामले में भी कुछ ऐसा ही था। आज रात के 10 बजे जब मामूली सा रात का सन्नाटा शुरू हो गया था और सलीम अपने कमरे में टीवी पर सीरियल देख रहे थे, तब अचानक मेरे फ़ोन पर किसी का मैसेज आया था। सलीम ने मुझे घूर कर यूं देखा जैसे उन्हें मुझ पर शक हो। जल्दी से मैंने भी अपना फ़ोन अपने पास ही रख लिया था। वह कहने लगे, अपना फ़ोन मुझे दिखाना, किसका मैसेज आया है। मैंने कहा, नहीं दिखाऊंगी, तुम खामखा मुझ पर ही शक करते रहते हो। मुझ पर अब यकीन करना ही पड़ेगा वरना मुझे छोड़ दो। मेरी इस बात को उन्होंने बहुत गहराई से ले लिया और बोले, अगर तुमने मुझे अभी इसी टाइम फ़ोन नहीं दिखाया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। ये सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया था। जो आदमी मुझे इतनी सी बात पर छोड़ सकता है उसका कोई भरोसा नहीं है। फिर तो वो मुझे डिवोर्स ही दे दे, अच्छा हो जाएगा, मेरी जान भी छूट जाएगी। तुमसे मुझे भी शौक नहीं है ऐसी शक्की आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का। बस कहना क्या था, सलीम को गुस्सा आ गया। उन्होंने उस टाइम मुझे डिवोर्स ही दे दी और गुस्से में खड़े हुए घर से बाहर चले गए थे। मैं सोचती रह गई सलीम कैसा सख्ती आदमी था। फ़ोन पर देखा तो कंपनी का मैसेज था। मैं भी पछताने लगी, काश उनको ये मैसेज भी दिखा दिया होता। मैं तो उनसे मजाक में शरारत कर रही थी मगर वह तो बात दिल पर ले गए थे। फिलहाल मेरे दिल में पहले भी कोई चोरी नहीं था, अब भी ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से मैंने अपना फ़ोन छुपाया होगा। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ, वाकई हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे। तब आंखों से आंसू बहने लगे। हमारी शादी को 2 साल हो चुके थे और उन 2 सालों में हमने मोहब्बत से बिताया था, मगर आज मामूली बात पर बेवफा मुझे छोड़कर चला गया था। उस वक्त रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। मेरी हिम्मत ना पड़ी कि मैं अपने माँ बाप के घर जाऊँ, वे भी इस गमगीन हालत में। मुझे देख कर वे लोग भी बहुत परेशान होंगे। मैं अपना सामान उठाया और दूसरे कमरे में चली गई। मैं जानती थी कि सलीम भी कुछ देर के बाद घर लौट आएगा और ऐसा ही हुआ। मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि बाहर से सलीम के कदमों की आवाज़ आ गई। वह अब पछता रहा था, मैंने दिल में सोचा था, मगर वह तो मेरे कमरे की तरफ भी नहीं आया। आराम से अपने कमरे में जाकर सो गया। बल्ब बंद होने की आवाज़ आई तो जैसे मेरे दिल पर किसी ने पत्थर सा गिरा दिया हो। वह सो गया था, उसने सुबह सवेरे ही उठना था। मैं भी बोझल कदमों के साथ अपने बेड पर आकर लेट गई थी। सुबह मम्मी पापा के घर चली जाऊंगी। आंखों से नींद कोसों दूर थी। मेरे दिमाग में हमारी शादी की यादें चल रही थी, कैसे सलीम ने अपनी दीवानगी पर मुझे अपनाया था और मुझे बेपनाह चाहते थे। उन्होंने मुझे एक नज़र ही देखा था और फिर मुझ पर फिदा हो गए थे। फिर अपने माँ बाप को हमारे घर रिश्ता लेकर भेज दिया था। मेरे माँ बाप के मना करने पर उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की थी। तब माँ बाप ने भी उस मामले को थोड़ी गंभीर से ले लिया और सलीम के माँ बाप के मिन्नतों पर रिश्ता स्वीकार कर लिया। वैसे भी उसमें कोई बुराई नहीं थी सिवाय कि वो हमारी जाति से बाहर के थे। हमारे खानदान में ज़्यादा जात पात पर ही ध्यान दिया जाता था कि लड़का अपने जात का ही होना चाहिए। फिलहाल सलीम की इतनी दीवानगी और मोहब्बत एक पल में ख़त्म हो गई थी। मैं पुरानी बातों को याद करके रो रही थी। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी थी। सलीम अब बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। दरवाज़ा खोलना, ये मुझे अपनी बात का बहुत दुख है, खुदा के लिए ऐसा मत करो, अब बस करो लड़ाई। सलीम, आप समझ नहीं रहे कि मामूली लड़ाई नहीं है, हमारे डिवोर्स हो चुकी है। मैं अब आप पर हराम हो चुकी हूँ। आपने सोचा भी कैसे कि अब मैं आपके सामने आऊँगी, मैंने रोते हुए कहा था। उनकी आवाज़ भी भर आई थी। वह काफ़ी देर तक मेरी मिन्नतें करते रहे, दरवाज़ा बजाते रहे, मगर अब वो मेरे लिए गैर आदमी हो चुके थे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक गैर मर्द की वजह से अल्लाह ताला की नज़र में गुनहगार हो जाऊं। मैंने दरवाज़ा ना खोला, थक हार कर वह बैठ गए थे। सुबह हुई तो मैंने देखा
घर में पूरी तरह चुप्पी थी। मैंने सोचा कि ऑफिस चले गए होंगे। मैंने दरवाज़ा खोला, किचन में आई ताकि कुछ खा पीकर अपने घर जा सकूं। मैंने रात को भी कुछ नहीं खाया था और अब ऐसे लगता था कि मैं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाऊंगी। इतने में सलीम भी आ गए। उनका अंदाज ही शिकायती था। वह तो अभी भी मुझे अपनी पत्नी समझ रहे थे, मगर मुझे अपनी मजहब का पता था। मैंने उन्हें सख्ती से मना कर दिया था। मैं अपने कमरे में आकर अपना सामान वगैरह उठाया। जब मैं जाने लगी तो उन्होंने एक बार फिर मेरी मिन्नती की। बोले, हमारा डिवोर्स किसी को पता नहीं है। ऐसी गलतियां तो मर्दों से हो जाती है। तुम यहीं रह जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। हम इस समस्या को कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। मगर मैंने कभी गवारा ना किया कि एक गैर मर्द के साथ एक ही छत तले रहूं। मैं अपना सामान लेकर माँ बाप के घर आ गई। माँ बाप के पहले ही परेशानियाँ बहुत थे। ये लोग कुछ इस अंदाज में मिले कि मैं उन्हें अपने डिवोर्स का भी ना बता सकी। मम्मी ने पूछा तो मैं झूठ बोल दिया कि सलीम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले गए हैं। मैं अकेली थी इसलिए इधर आ गई। मम्मी पापा को तो मैंने तसल्ली करवा दिया था, मगर मेरा दिल खुद बेचैन था। मैं जानती थी कि मैं सलीम के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। मैं रो रो कर मेरी आंखें लाल हो चुकी थी, मगर मैंने कभी किसी को अपना गम ना बताया था। मम्मी पापा को भी हकीकत का पता नहीं था, मगर दिल को यही गम खाए जा रही थी कि मैं यहाँ कितने दिन रहूँगी। एक ना एक दिन तो उन्हें पता ही चल जाएगा। फिर गम का इतना बड़ा पहाड़ ये लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। अगले दिन मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि सलीम का फ़ोन आ गया। वह भी मिन्नतें कर रहे थे कि तुम मान जाओ। उन्हें शायद समझ नहीं आ रही थी कि मुझे डिवोर्स दे चुके हैं और अब इस बात की कोई गुंजाइश भी नहीं है मैं दोबारा उनके साथ बीवी बनकर रहूं। सलीम के मजबूर करने पर मैंने मन बना लिया। तब उन्होंने अनोखी बात कही कि बोले, अब अगर तुम एक हफ्ते के अंदर अंदर घर वापस नहीं आई तो मैं किसी और औरत से शादी कर लूँगा। ये बात सुनकर मैं तड़प कर रह गई थी, मगर अब हमारा रिश्ता ही क्या रह गया था। मैं किस तरह हक जताती। मैंने कह दिया, अगर आपको कोई अच्छी औरत मिले तो भले दूसरी शादी कर लो, मगर मैं तो उम्र भर आपके नाम पर बैठी रहूँगी। ये सुनकर सलीम भी बेताब हो गए थे। उनको मेरी मोहब्बत का पता हो गया था, मैं उन्हें कितना चाहती हूँ। तभी अगले दिन घर पर दस्तक हुई। माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने सलीम खड़े थे। माँ हैरान होकर पूछने लगी कि बेटा, तुम तो शहर से बाहर गए थे। वह थोड़ा सोच कर बोले कि मैं वापस आ गया हूँ और मैं अपनी बीवी खालदा को लेने आया हूँ। माँ पापा के सामने मैंने पहले ही झूठ बोल दिया था। सलीम बाहर गए हैं और डिवोर्स की कोई बात नहीं की थी, तभी मैंने उनका भरम रखा। माँ कहने लगी, बेटियाँ अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, तुम अपने पति के साथ चली जाओ। सलीम भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। मैंने सोच लिया था कि अभी तो सलीम के साथ चली जाती हूँ, मगर फिर किसी और जगह रह लूँगी। तभी उनके साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, बस जरा सा शक्की मिजाज का हूँ। तुम बर्दाश्त कर लेती तो क्या हो जाता, आज हम इस मुश्किलों में ना फंसे होते। सलीम अपनी गलती का इल्ज़ाम मुझे ही दे रहे थे। फिलहाल गाड़ी का सफ़र ख़त्म हो गया था। सलीम ने गाड़ी रोका, मुझे घर के अंदर चलने को कहा। मैंने कहा, मैं घर में नहीं जाऊंगी, मुझे किसी और जगह में जाना है। वह बोले, मेरे ऑफिस में एक लड़का है, वह बहुत ही गरीब और यतीम है। उसे कोई भी कंपनी नौकरी देने को तैयार नहीं थी। मैंने उस लड़के को ना सिर्फ नौकरी दी बल्कि उसको काम भी सिखाया और मुझे अपना बड़ा मानता है। वह लड़का बहुत भरोसे वाला है। सलीम की सारी बात मेरी समझ में आ रही थी। वह लड़का तुमसे निकाह कर लेगा और कुछ दिन में तुम्हें डिवोर्स भी दे देगा। मैं जानता हूँ वह मेरी हर बात मानता है, तुम्हें इज्जत से रखेगा। तुम क्यों घबरा रही हो, थोड़ी दिन की तो बात है, उसके पास सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। सलीम बराबर मुझसे कह रहे थे मैं उनके 17 साल के नौकर से शादी कर लूँ, फिर हम दोबारा इस रिश्ते में बंध जाएंगे। जबकि मैं राजी भी नहीं थी, तब सलीम ने मुझे धमकी दी, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वे अपनी जान दे देंगे और ज़िंदगी भर मैं तड़पती रहूंगी। मैं उनकी जनूनी हरकत को अच्छी तरह से जानती थी, वे सच में अपनी जान ले लेते। आखिरकार मजबूर होकर मैंने सर झुका दिया। मेरे पास उनके अलावा और कोई चारा भी नहीं था, मगर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। सलीम ने गाड़ी अपने ऑफिस की तरफ मोड़ ली थी। आधे घंटे में हम उनके ऑफिस पहुँच गए थे। उन्होंने फ़ोन करके उस लड़के को अपने ऑफिस में बुलाया। 15 मिनट के बाद एक दुबला पतला सा नौजवान मेरे दरवाजे पर अंदर दाखिल हुआ। उस लड़के को देखकर ही मेरी समझ में आ गया कि ये कितना काबिल भरोसे वाला है। उसके चेहरे के असर और मुझे देखने का अंदाज बता रहा था कि ये लड़का कितना मासूम और कितना इज्जतदार है। जितना के मेरे पति को लगता है, वह तो हमेशा लोगों पर भरोसा करते आए थे, मगर लोग उन्हें टाइम पर धोखे दे जाते थे।
मैं जानती थी ये लड़का भी काबिल भरोसे के लायक नहीं है। और फिर मुझे इस बात का अंदाजा तब हुआ जब सलीम की सारी बात समझाने पर लड़के की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके लिए ये तो एक सुनहरा मौका था। वह अपनी हर बात मनवाना जानता था, मतलब निकाह के बाद सलीम को ब्लैकमेल करेगा। उसकी शक्ल व सूरत, बात करने का अंदाज बहुत ही चालाक लोगों की तरह था। वह काफ़ी मतलबी था, मगर सलीम को न जाने क्यों उस पर भरोसा था। मेरा दिल बोझल सा हो रहा था। थोड़ी ही देर में हम तीनों गाड़ी में आकर बैठ गए। सलीम गाड़ी चला रहे थे, लड़का उनके साथ ड्राइविंग सीट पर बैठा था, जबकि मैं पिछली सीट पर बैठी थी, अपने नसीब पर आंसू बहा रही थी। हम लोग मौलवी साहब के घर पहुंच गए। मौलवी नासिर ने मेरे बारे में राय मशवरा किया था। ये लोगों की मदद करते थे, जबकि उनकी बीवी के बारे में भी लोग यही कहते हैं कि वे एक रहम दिल औरत हैं। मौलवी साहब और उनकी बीवी को हमारे मोहल्ले में सभी लोग जानते थे, मगर हमें वे नहीं जानते थे। और हम भी आज पहली बार उनसे मिलने आए थे। उनके घर पहुँच कर हमने दरवाजे पर दस्तक दी। मौलवी साहब ने हमें मेहमान समझ कर अपने घर में बिठाया। तब मेरे पति ने उनको एक फर्जी कहानी गढ़कर सुना दी। मौलवी साहब ने कहा कि मैं उस लड़के और उस लड़की का निकाह करवाना चाहता हूँ, उन दोनों का सर का साया बनकर उन्हें एक पाक और मुकद्दस रिश्ते में बांध देना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उनके घर वाले उनकी शादी के खिलाफ हैं, इसलिए आप उनका निकाह करवा दें। मौलवी साहब को सारी हकीकत मालूम न थी, जबकि मेरे बहते आंसू कुछ और ही कह रहे थे। उन्होंने मुझसे कई बार पूछा कि मैं इस निकाह पर राजी हूँ या नहीं, मगर मैंने भी हामी भर ली अपने पति के डर के मारे। मैंने अपनी रजामंदी दे दी, मगर मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तब अंदर से मौलवी साहब की बीवी आ गई। वह बोली, लड़की को मेरे पास भेज दीजिए, मुझे उनसे कुछ बातें पूछनी हैं। मौलवी साहब ने मुझे अपने बीवी के पास भेज दिया। मैं उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोती रही। मुझे रहा नहीं गया, मैं अपनी सारी कहानी उन्हें सुना दी। मेरी बात सुनकर वह कानों को हाथ लगाने लगी। बेटी, तुम और तुम्हारा पति किस जहाँ में रहते हो? तुम लोग मुसलमान भी हो या बस कलमा पढ़ा है? इस्लाम की पूरी जानकारी के बारे में इंसान को खुद पता होना चाहिए, और नहीं तो किसी गैर से पूछ ले। तुम अपने पति को समझाओ कि डिवोर्स की इद्दत पूरी किए बगैर औरत दूसरी निकाह नहीं कर सकती है। क्या उसे इतनी सी बात नहीं मालूम? और फिर ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगर मियां बीवी डिवोर्स के बाद भी 3 महीने तक आपस में राजी कर लेते हैं तो डिवोर्स नहीं होती। क्या तुमने अपने पति को ये बात नहीं बताई? मैंने नामे सिर हिला दिया। सच तो ये है कि मैंने कभी इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की, और सलीम की दीनी मालूमात तो मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर थी। मुझे मोटी मोटी चीज़ों का पता था, जिन पर मैं अमल भी करती थी। इसी बीच मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे चक्कर से आए थे। मौलवी साहब की बीवी ने पहचान लिया कि मैं पेट से हूँ। उनके चेहरे पर खुशी के रंग खिल गए थे। लो भाई, तुम्हारा तो डिवोर्स भी नहीं हुआ है, तुम तो उम्मीद से हो। उनकी बात सुनकर मैं भी हैरान हो गई, क्योंकि इस बारे में खुद भी नहीं जानती थी। तब उन्होंने मोहल्ले के एक नर्स को बुलवा कर जाँच करवाया। उसने भी ये बात बता दी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और प्रेग्नेंट हुए मुझे 3 महीने बीत चुके थे। ये बात सुनते ही मौलवी साहब की बीवी खुश होकर उठी और बाहर का दरवाज़ा खोला, और मैंने अपने पति को जाकर सारी बात बता दी। मैं और मौलवी साहब की बीवी ये सुनते ही गुस्से में आ गए थे। उन्होंने मेरे पति को अच्छी खासी सुना दी और बोले, दीन की मालूमात अगर पता ना हो तो कम से कम इंसान से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम अगर अपनी बीवी का हलाला करवाने आ रहे थे, कम से कम मुझे बता देते। भला अपने वकील से भी कोई बात छुपाई जाती है क्या? मौलवी साहब की बात ठीक भी थी। मेरे पति सलीम अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बना रहे थे। वे अपने दोस्त से मेरे निकाह करवाना चाहते थे, मगर उन्होंने इस बात को जानने की कोशिश नहीं की। खैर, जब सलीम को पता चला कि वह बाप बनने वाले हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। मौलवी साहब ने बताया, जब औरत प्रेग्नेंट होती है, उन दिनों में मर्द औरत का डिवोर्स नहीं होता। हमें हलाला करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम मौलवी साहब और उनकी बीवी की दुआएं लेते हुए घर आ गए। हमारी नज़र में तो हमारी समस्याएं हल हो चुकी थी। मैं और सलीम एक दूसरे की ज़िंदगी में दोबारा शामिल हो गए थे, मगर हम सोच भी नहीं सकते थे कि जो गलती हमने उस लड़के पर भरोसा करके कर दी थी, उसका खामियाना भुगतना अभी बाकी था। लड़का जो शक्ल से शरीफ और मासूम नज़र आता था, उसने हमारे घर जाने के बाद अपनी बेइज्जती और तोहीन समझते हुए मेरे ऑफिस में ये बात फैला दी, सलीम और उनकी बीवी खालिदा का तलाक हो चुका है, और सलीम अपनी बीवी के हलाला के लिए मुझे बुलाकर ले गए थे।
बच्ची की खुशी में सलीम मुझे मायके लेकर गए थे। वहां जाकर हमारे एक दो दिन लग गए थे। वह दो दिन बाद जब ऑफिस गए तो लोगों के जुबान पर एक ही बात थी कि उन्होंने खालदा को डिवोर्स क्यों दी। तब सलीम को बड़ी हैरत हुई कि ये बात सबको कैसे मालूम है, और फिर उस लड़के की नौकरी छोड़ने की खबर ने उन पर यह बात जाहिर कर दी कि उनके आस्तीन के सांप ने ही उनको ये डस लिया है और ऑफिस में उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाई है। अब लोग हमारे बारे में बातें करने लगे। हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है मगर हम फिर भी एक साथ रहते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मौलवी साहब हमारे सारे मामले के गवाह थे। फिर भी उम्मीद से थी, मगर सलीम जबकि अपने ऑफिस में सबसे ज़्यादा डिसेंट आदमी थे, उन्होंने जल्दी ही उन सब समस्याओं पर काबू पा लिया था। मगर ये खबर मेरे मायके तक पहुँच चुकी थी तब एक तूफान समझ गया था। माँ बाप भी हम पर शक कर रहे थे क्योंकि उस दिन मेरी हालत देखकर वे बार बार सवाल भी कर रहे थे कि मुझे क्या हुआ है, मगर मैंने उन्हें नहीं बताया था। तब हम दोनों ने उन्हें भरोसा दिलवाकर सारी बात बता दी और कहा कि हमारे साथ थोड़ी समस्या हुई थी मगर अब ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई बात होती तो मौलवी साहब इसका उपाय ज़रूर निकालते, मगर खुदा का शुक्र है हमें अल्लाह ताला ने उस सज़ा से बचा लिया था जो हर डिवोर्स देने वाले आदमी के लिए रखी गई है। आज इस बात को बीते हुए 5 साल हो गए हैं। हम एक बेटे और एक बेटी के माँ बाप भी बन चुके हैं, मगर सलीम अभी भी अपनी गलती पर अफसोस में है। कहते हैं अगर तुम मुझसे दूर चली जाती तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी दोबारा जी नहीं पाता। खुदा का जितना शुक्र अदा करूं कम है। तुम्हारी मोहब्बत का हकदार भी हूं और सारी उम्र रहूंगा, और मैं भी उनके साथ बहुत खुश हूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।